साल 2021 में टीवी एक्ट्रेस निशा रावल की करण मेहरा संग 9 साल की शादी टूट गई। टीवी के आइडियल कपल कहे जाने वाले निशा और करण के फैंस को तब झटका लगा जब निशा ने करण पर मारपीट के आरोप लगाए। दोनों का तलाक खूब चर्चा में रहा था। हालांकि पति से अलग होने के बाद निशा बेटे कविश की अकेले परवरिश कर रही हैं। एक इंटरव्यू में निशा ने बताया था कि उन्होंने कैसे बेटे को अपने और करण मेहरा के अलग होने के बारे में बताया था। वो कहती हैं, जब सोशल मीडिया पर उनके अलग होने की खबरें चल रही थी तब वो बेटे को स्कूल भेजने में बिजी थी, अपनी सर्जरी और घर संभाल रही थी। निशा बताती हैं कि पहले उन्होंने करण से अलग होने की बात बेटे से छिपाई थी क्योंकि वो बहुत छोटा था। बच्चों के थेरेपिस्ट से बात कर उन्होंने बेटे को करण संग अलग होने के बारे में बताया। करण घर पर कम रहा करते थे इसीलिए बेटा उनके बारे में कम पूछता था। वो बेटे को कहती थी, पापा बिजी हैं शूटिंग में। लेकिन 6 साल का होने के बाद कविश ने पूछा, क्या पापा मुझे प्यार नहीं करते? तब उन्होंने बेटे से कहा, ऐसा नहीं है, पापा मम्मा आपसे प्यार करते हैं। एक दिन पापा आकर तुमसे अपने प्यार को जरूर एक्सप्रेस करेंगे। निशा ने बेटे को समझाया कि वो ही उसकी माँ और पापा है। अगर कभी उसका अपने पापा से बात करने का मन हो तो वो जरूर बताएं, वो बात कराएंगी। वहीं रूबीना दिलैक के पॉडकास्ट में निशा ने तलाक के बाद बदली जिंदगी पर बात की। निशा कहती हैं, तलाक को 3 साल हो गए हैं, बहुत कुछ बदला है, पर मेरे अंदर अब बहुत शांति आ चुकी है। बहुत लोगों को लगता है कि इसे दर्द महसूस नहीं होता, पर कोई ये नहीं देखता कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। कितनी बार ऐसा होता है जब मैं खुद को पुश करती हूँ, तकिए के अंदर मुंह छिपाकर रोती हूँ, फिर सोचती हूँ कि मुझे अपने बेटे के लिए मजबूत बनना होगा। जब आप एक जर्नी से गुजर रहे होते हो तो आप काफी सारी चीजें ऑब्जर्व करते हो। मैंने नोटिस किया है कि आज लाइफ के जिस पड़ाव पर मैं हूँ, मैंने बहुत चीजें देखी हैं। मानसिक रूप से ट्रॉमा झेला है, बेटे को अकेले पाल रही हूँ, बचपन में मेरे साथ कई चीजें हुई जो आज तक मुझे डराती हैं। मेरे बेटे कविश से पहले मेरा मिसकैरेज हुआ, सब कुछ मैंने झेला है। ये कुछ भी मैं अपने बेटे को नहीं देना चाहती। मैं उसके लिए एक टॉक्सिक फ्री वातावरण बनाना चाहती हूँ। जो पॉजिटिविटी के साथ मैंने चीजें सीखी हैं, मैं वो सब बेटे को दूंगी। बता दें कि साल 2012 में करण और निशा ने शादी की थी। दोनों साल 2008 में फिल्म हंसते हंसते के सेट पर मिले थे। शूटिंग के दौरान ही दोनों दोस्त बने और फिर दोनों में प्यार हो गया। तलाक लेने के बाद से ही निशा एक सिंगल मदर हैं और अपनी लाइफ में खुश हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।